तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? चार ऑप्शन है और इसमें से एक ऑप्शन को टिक करना है। पहला है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन है और इसमें से एक का टिक लगाना है। पहला है दर्पण, दूसरा लेंस, तीसरा प्रिज्म और चौथा है कांच की सिल्ली। देखिए दोस्तों, मेरा सही आंसर है सी, प्रिज्म। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त तो होता है? आपके पास चार ऑप्शन है और पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा सही आंसर है बी, अवतल दर्पण। तो अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आपके पास चार ऑप्शन है और पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है उत्तल दर्पण। के दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? देखिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है और पहला है दूर दृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है वर्णादता। देखिए दोस्तों, अब आपका सही आंसर है ए, दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बाईफोकल लेंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। और आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर है अवतल लेंस बी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का SI मात्रक होता है? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है वाट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है ओम। और आपको मैं बता दूं कि सही आंसर है वोल्ट सी। के दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है U बटे B, दूसरा है U इंटू यू और तीसरा है U प्लस B और चौथा है B बाई U। और मैं बता दूं और आपका सही आंसर है D, ऑप्शन नंबर D, V बटे U। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है प्रतिवर्ती धारा, दूसरा है दृष्ट धारा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और मैं बता दूं आपका सही आंसर सी है, इसलिए प्रतिवर्ती धारा और दृष्ट धारा इसमें दोनों होता है। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला विभवांतर, दूसरा धारा, तीसरा ताप और चौथा दाब। और मैं आपको बता दूं कि आपका सही आंसर सी, ताप। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रडार? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल और चौथा है उत्तल लेंस। और मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर बी, उत्तल दर्पण होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा दृष्टि वैषम्य। और मैं आपको बता दूं कि आपका सही आंसर दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला कूलम्ब, दूसरा वोल्ट, तीसरा एम्पियर, चौथा इनमें से कोई नहीं। और मैं बता दूं कि आपका सही आंसर ए नंबर होगा, कूलम्ब। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बेलनाकार लेंस और चौथा बाईफोकल लेंस। और मैं बता दूं कि आपका सही आंसर ए होगा, उत्तल लेंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है? और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा प्रेरित विद्युत धारा, तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और चौथा प्रेरित विद्युत चुंबकीय पर। और मैं बता दूं आपका सही आंसर सी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान इनमें से कौन होगा? पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा परिवर्तित नहीं होता, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है और चौथा निरंतर परिवर्तित होता है। और मैं बता दूं आपका सही आंसर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है?
और आपके पास चार ऑप्शन है, पहला 25 सेंटीमीटर, दूसरा 0, तीसरा 250 सेंटीमीटर और चौथा अनंत। और मैं बता दूं आपका सही आंसर डी होगा, अनंत। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है और आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक का टिक लगाना है। पहला ऑप्शन आधी, दूसरा दुगुनी, तीसरा तिगुनी और चौथा इनमें से कोई नहीं। और मैं बता दूं आपका सही आंसर आधी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी f बराबर r, ऑप्शन नंबर सी f बराबर r बाई 2, ऑप्शन नंबर डी r बराबर f बाई 2। और मैं बता दूं आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, r बराबर 2f। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल, चौथा इनमें से कोई। इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।